हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता और मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सुनीताज लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। तो सबसे पहले देखते हैं हमें दाल मखनी बनाने के लिए क्या करना है। आइए। तो फ्रेंड्स, ये लिए है मैंने काली उड़द, ये ली थी मैंने, आप देख सकते हो मैंने ये दो गिलास ही ली थी, दो छोटे गिलास लिए थे, ये देखिए आप। और ये लिए है मैंने राजमा, मैंने आधा गिलास ही ली थी राजमा। इन दोनों को आप लोग देख सकते हो मैंने पूरी रात भिगो के रखा था, दाल को और राजमा को पूरी रात मैंने भिगो के रखा था, तो भीग के ये इतने डबल हो गए हैं। आप देख सकते हो दाल भी डबल हो गई है और मेरी राजमा भी डबल हो गई है। आप चाहो तो अगर आपको जल्दी बनानी है दाल मखनी तो आप 2 घंटे के लिए अपनी दाल गर्म पानी में भिगो सकते हैं और जल्दी से इंस्टेंट बना सकते हैं। तो मैंने ये रात भर भिगो के रखी थी। तो फ्रेंड्स देखिए ये, और फ्रेंड्स मैंने लिया आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच नमक। अब हम एक बर्तन लेंगे, मैंने लिया है कुकर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दाल। फ्रेंड्स अब मैं डालूंगी राजमा। तो फ्रेंड्स मैंने डाल दिए राजमा और दाल, इकट्ठे कर दिए। अब मैं डालूंगी हल्दी, अब डालूंगी नमक। फ्रेंड्स अब मैं डाल रही हूँ पानी, एक गिलास और ले लेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने डाल दिया है पानी, अब कुकर का ढक्कन लगा के। फ्रेंड्स अब मैं गैस ऑन करके गैस पे रख दूंगी। और मैं, फ्रेंड्स मैंने कुकर रख दिया है, अब मैं 7 से 8 सीटी लगाऊंगी। पहली सीटी आने तक मैं गैस का फ्लेम तेज रखूंगी और पहली सीटी आने के बाद मैं कम कर दूंगी गैस का फ्लेम और स्लो गैस पर बनाऊंगी और 7 से 8 सीटी लगाऊंगी। फ्रेंड्स एक सीटी आ गई है, अब हम गैस की नोब कम कर देंगे और ऐसे ही पकने देंगे। तो फ्रेंड्स कुकर में 7-8 सीटी लग चुकी है, अब हम खोल के देखते हैं कि दाल हमारी कैसी हुई है। तो मैं एक बार चला के देखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स गल गई है, देखिए। और अगर थोड़ी थोड़ी कड़ी लग रही है तो आप उसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा मैश कर ले। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अब दाल बिल्कुल मैश हो गई है, हल्की हल्की खड़ी है। तो अब इसको हम रखेंगे कुकर को साइड में। तो फ्रेंड्स अब हमें दाल में तड़का लगाने के लिए अब हमें क्या क्या चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। ये है प्याज, मैंने कटी हुई ली है, 3 बारीक कटी हुई प्याज ली है। और फ्रेंड्स आप देखेंगे ये लिया है मैंने कटा हुआ धनिया। और फ्रेंड्स ये लिया है मैंने टमाटो प्यूरी, मैंने इसको पीस लिया है टमाटो को, 4 मैंने टमाटर लिए थे, इनको पीस लिया है। ये लिया है फ्रेंड्स मैंने क्रीम, आप चाहें तो मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने कूट लिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं मिक्सी में पीस के। फ्रेंड्स ये लिया है मैंने मक्खन, ये है 1 चम्मच नमक, ये है 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी हम पहले भी डाल चुके थे, ये है 1 चम्मच लाल मिर्च, ये है 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये है 1 चम्मच धनिया, और फ्रेंड्स ये लिया है हमने 1/2 चम्मच जीरा। और फ्रेंड्स ये लिए मैंने हींग, ये हमें 1 पिंच लेनी है। तो फ्रेंड्स हमने सारा सामान ले लिया है, तो अब हम तड़का लगाएंगे। पहले हम गैस ऑन करेंगे और तड़का लगाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे। तो मैंने ये छोटी सी कढ़ाई ली है, इसको मैं रखूंगी गैस पे थोड़ा सा। फ्रेंड्स अब मैं डालूंगी मक्खन, गैस का फ्लेम कम कर देंगे। तो थोड़ा सा हम मक्खन लेंगे कढ़ाई में, उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स मक्खन हो गया मेल्ट, तो हम डालेंगे पहले जीरा, थोड़ा सा जीरा भूनने देंगे। हम डालेंगे जीरा भूनने के बाद हम डालेंगे हींग, सब डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट,
गैस हमने कम की हुई है। फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा हम इनको भूनेंगे लहसुन और अदरक के पेस्ट को। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको हम भूनने देंगे लहसुन और अदरक के पेस्ट को। अदरक हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखी हुई थी और फ्रेंड्स को चलाएंगे, इसको भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें मसाला। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। फ्रेंड्स पहले मैं डालूंगी हल्दी, हम पहले डाल चुके थे, मैंने डाली हल्दी। अब डालेंगे लाल मिर्च, अब डालेंगे धनिया और फ्रेंड्स थोड़ा सा हम चलाएंगे और गैस हमारी कम फ्लेम पर है और इसको थोड़ा सा हम मसाले को भुनेंगे। फ्रेंड्स हमारा मसाला भुन गया है और गैस हमारी कम फ्लेम पे ही है, धीमी फ्लेम पे। अब फ्रेंड्स हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। फ्रेंड्स इसको मिलाएंगे, गैस मैंने कम की हुई है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। फ्रेंड्स अब इसको ऐसे ही थोड़ी देर हम भूनते रहेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि हमारा अच्छी तरह। फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो गए हैं और मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया। आप देख सकते हो कलर भी कितना अच्छा है। अब जो दाल हमने उबाली थी उस दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे। फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। अब और 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। दाल को 2-3 मिनट मैंने अच्छी तरह भून लिया है और अच्छे से मिक्स हो गई है दाल तड़के में। तो आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अब मैं डालूंगी इसमें नमक, क्योंकि नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी तो इसलिए मैंने कम लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। तो अब मैंने 2-3 मिनट अपनी दाल पका ली है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम, ये जो मैंने क्रीम ली थी। आप लोग चाहें तो मलाई भी ले सकते हैं। गैस मैंने कम की हुई है। अब मैं डाल रही हूँ क्रीम। क्रीम मैं 2-3 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि दाल मखनी में क्रीम ज़्यादा होती है तो अच्छी लगती है। अब मैं इसको मिलाऊंगी, अच्छे से हम मिला लेंगे। गैस मैंने कम की हुई है। तो देखिए क्रीम मिलाने के बाद हमारी दाल का कलर कितना अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही हो। आप अपने घर में बनाओगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी दाल बनी है। तो मैंने गैस कम की हुई है और ऐसे में गैस ये दाल पका रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। तो फ्रेंड्स अब 2-3 मिनट पक गई है। अब मैं इसके अंदर से वापस से बटर डालूंगी, 2-3 क्यूब डाल दूंगी। बटर से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है मखनी दाल में। थोड़ा सा चलाऊंगी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा, गैस मैंने कम कर दी है, अब मैं इसको 3-4 मिनट के लिए पकाऊंगी और 3-4 मिनट के लिए ढक दूंगी। तो फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल देखिए एकदम रेडी हो गई है, बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो अब ये, अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो गाढ़ी पसंद है इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया और मैं गैस कर दूंगी ऑफ और अब मैं इसमें डालूंगी धनिया। धनिया मैंने डाल दिया है। अब दाल को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और सर्व करने के लिए मैं एक बाउल में निकालूंगी। तो फ्रेंड्स हमारी दाल मखनी बनके तैयार हो गई है। आप देखिए कलर कितना अच्छा है। तो अब मैं सर्व करने के लिए एक बाउल में डालती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने डाल ली है, अब हम इसको गार्निश करते हैं। तो फ्रेंड्स क्रीम लेके, तो फ्रेंड्स गार्निश करने के लिए मैंने ली है क्रीम। मखनी बनके तैयार है, आप भी अपने घर में बनाइए। तो अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो लाइक करें
और फ्रेंड्स मेरा दूसरा चैनल है भजन संगीत, उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।